गौ माता का भी आपने ऑपरेशन होते हुए देखा, उसके गले के नीचे ट्यूमर थी और फिर हमने उसकी सर्जरी की। सर्जरी के दौरान हमने उसकी ट्यूमर निकाली और अब 7 से 10 दिन के अंदर इसकी मेडिकल टीम इसकी केयर करेगी और केयर के दौरान इसको अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन प्रोवाइड की जाएगी। उसी दौरान इसको अच्छी क्वालिटी का फीड एंड फोडर सप्लीमेंटेशन दिया जाएगा, जिसके चलते हुए गौ माता जल्द से जल्द रिकवर हो जाए। वैसे तो ट्यूमर कई कारणों से होता है, जैसे कि जेनेटिक, इन्वायरमेंट पोल्यूशन, सेल इमोबिलाइजेशन, सेल मालफॉर्मेशन एंड इन्फेक्शन। फिर हम इस ट्यूमर का डायग्नोसिस करेंगे, कैसे पता लगाया जाता है ये, जैसे कि अपन इसका एक्सरे लेंगे, उसका ट्रेकिया का, इसोफेगस का और नेक रीजन का। फिर इसका ब्लड सैंपल चेक करके भी हम पता लगा सकते हैं कि ट्यूमर है या नहीं है, कौन सा है, किस कंडीशन पे है। फिर हम इसका MRI एंड CT स्कैन के भी थ्रू कर सकते हैं।